हेलो दोस्तों, आज आपको रिपेयर करके दिखाऊंगा LG CRT TV का ये जो चैसिस है। तो ये PCB ऑन नहीं हो रहा है, तो कैसे इसको रिपेयर किया जाता है मैं आपको ये वीडियो के अंदर दिखाऊंगा, ठीक है। ये चैसिस नंबर आप एक बार देख सकते हो, CP79A ये चैसिस नंबर है, ठीक है। ये यहाँ पर लिखा है, इसका जो प्रॉब्लम है ये ऑन नहीं हो रहा है, तो इसका इंडिकेटर पर फॉलो करना पड़ेगा। ये इंडिकेटर मैं सप्लाई दे देता हूँ फर्स्ट टाइम, ये सीरीज लाइन से, ठीक है। देखिए मैं सप्लाई दे दिया और देखिए ऑन ऑफ, ये 200 वाट स्लीप बल्ब कंटिन्यू इस तरह ऑन ऑफ हो रहा है। इसका इंडिकेटर कंटिन्यू इसी तरह ब्लिंकिंग हो रहा है, ठीक है। जब डायरेक्ट लाइन देके सप्लाई देके चेक करेगा तो इसी तरह ब्लिंक करेगा, ये सेट ऑन नहीं होगा। ESD ऑन हो जाता है और ऑफ हो जाता है, ये जो ESD है, ठीक है। ESD सप्लाई अभी कितना है, ESD सप्लाई प्रॉपर देखने को नहीं मिलेगा, 114, और सीरीज बल्ब जब फुल ग्लो हो जाता है वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। तो एक्चुअली ये प्रॉब्लम कौन सेक्शन का है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ, सप्लाई ऑफ कर दिया। तो ये प्रॉब्लम रिपेयर करने के लिए फर्स्ट आपको देखना पड़ेगा कि ये जो पावर सेक्शन है ये ओके है कि नहीं है। LG सेट का अंदर ये पावर सेक्शन आसान तरीके से आप चेक नहीं कर सकते कि पावर सेक्शन का अंदर कौन सा फॉल्ट है कि नहीं है। बट ESD जो सप्लाई है, ये ESD सप्लाई यहाँ से जो ESD का अंदर जा रहा है, ESD सप्लाई लाइन को आपको ओपन करना पड़ेगा। बीच में एक जम्पर देखने को मिलेगा, कुछ भी चैसिस हो सकता है LG का, तो जम्पर को ओपन करना पड़ेगा। मैं इसका जम्पर को ओपन कर दिया, ओपन करने के बाद अलग से वायर लगाया, क्योंकि फर्स्ट टाइम इसका जो मेन सप्लाई ये नहीं बन रहा था। ये पूरा सल्फर PCB आप देख सकते हो, पूरा PCB के अंदर सल्फर था, मैं इसको साफ किया। तो ये STR को सोल्डरिंग किया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस को सोल्डरिंग किया, ऑप्टोकॉपलर को सोल्डरिंग किया, करने के बाद इसका इसी तरह सिम्टम आ रहा है, ठीक है। तो चलिए ये जम्पर को मैं आउट करूँगा, यहाँ पर जो जम्पर है तो ये ओपन है, तो यहाँ पर 110 वोल्ट लाइन के अंदर आपको 100 वाट बल्ब कनेक्शन करके देखना पड़ेगा कि प्रॉपर 110 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं, और वो भी कांस्टेंट वोल्टेज होना चाहिए, ठीक है। वो आ रहा है कि नहीं एक बार देखना पड़ेगा, उसका बाद मैं चलिए बताता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं ESD सप्लाई लाइन के अंदर 100 वाट बल्ब कनेक्शन किया, और दोस्तों ये नेगेटिव है, आप कुछ भी पोजीशन पर नेगेटिव वायर कनेक्शन कर सकते हो। तो चलिए मैं अभी सप्लाई देके देखता हूँ कि क्या रिजल्ट आता है। मैं सप्लाई दे दिया और आउटपुट डेमी लोड ये जल रहा है 100 वाट बल्ब, ठीक है। इसका कनेक्शन यहाँ पर है, अभी यहाँ पर कितना वोल्ट आ रहा है अभी देखिए, ये मीटर के अंदर 111.4 वोल्ट, ये प्रॉपर वोल्ट है, ESD सप्लाई ओके है, और ये कुछ भी फैक्चुरेट नहीं है। तो इसका मतलब कि ये जो पावर सेक्शन है ये ओके है, ये कम कर रहा है, और वोल्टेज का पावर सेक्शन का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज प्रॉपर और कॉन्स्टेंट वोल्टेज है। तो प्रॉपर कहाँ पर है, चलिए मैं सप्लाई ऑफ करके आपको दिखाता हूँ। मैं सप्लाई ऑफ कर दिया, ऑफ करने के बाद दोबारा मैं ये जो ESD सप्लाई लाइन यहाँ पर मैं कनेक्शन करूँगा, आप ESD का ये पिन पर भी कनेक्शन कर सकते हो। तो इसका आउटपुट सेक्शन का फॉल्ट है, ठीक है। क्या क्या फॉल्ट हो सकता है, ESD ऑन ऑफ हो रहा है। तो फर्स्ट क्या देखना पड़ेगा कि ये जो पॉइंट है ये 180 वोल्ट का पॉइंट है, ये दोस्तों 2 पिन फिलामेंट का है, तो यह सब वोल्टेज बेस वोल्ट का अंदर जाता है। तो ये बेस वोल्ट कौन सा, ट्रांजिस्टर बेस वोल्ट है, ठीक है। तो ये बेस वोल्ट का अंदर इसी तरह जो फॉल्ट 250 वोल्ट का जो कैपेसिटर रहता है 10 माइक्रोफैराड, वो भी फॉल्ट हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है, ठीक है। ये बेस वोल्ट का अंदर 2 कैपेसिटर है, ठीक है। यह पर आप देख सकते हो इसका टांग देखिए सल्फर आ गया, बार दोस्तों ये एक टांग देखिए टूट गया, ठीक है। और यहाँ पर एक कैपेसिटर था जो मैं चेंज किया, जिसका टंग टूट गया था, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। लगाया बट कैपेसिटर शॉर्ट होगा तो तब भी वोल्टेज फॉल्ट हो सकता है, और IC बेस वोल्ट होगा तो
ये बेस बोर्ड का अंदर आईसी रहेगा तो आईसी शॉर्ट होगा तो तभी ड्रॉप हो सकता है, बट इसका अंदर आईसी बेस नहीं है तो और वो लाइन को देखने का ज़रूरत नहीं है। अभी वो लाइन शॉर्ट हो जाएगा तो ठीक है, आप ESD 184 लाइन को ओपन करके देख सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर वर्टिकल आईसी है, ठीक है, अधिक टाइम में वर्टिकल आईसी जब शॉर्ट हो जाता है, ठीक है, वर्टिकल आईसी शॉर्ट होने का रीजन से भी वोल्टेज जब ड्रॉप हो जाता है, इसी तरह ड्रॉप होने के बाद ESD सप्लाई लाइन के अंदर लोड आ जाता है और पावर सेक्शन के अंदर जब लोड आ जाता है सीरीज बल्ब ये ग्लो हो जाता है, ठीक है, सीरीज बल्ब ग्लो हो जाता है। तो इसी कंडीशन पर जो वर्टिकल आईसी है, ये वर्टिकल आईसी को ओपन करके एक बार देखूंगा। उसका पहले ये ओपन करने के लिए इसका अंदर 4-5-6-7 पिन रहता है, थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये जो वर्टिकल सप्लाई फ्यूजिबल दो रेजिस्टेंस से आउटपुट होता है, ये दो सप्लाई लाइन रेजिस्टेंस को ओपन कर दूंगा, ठीक है, एक एक पिन को मैं ओपन कर दूंगा, ओपन करके देखूंगा कि ESD सप्लाई वोल्ट प्रॉपर बन रहा है कि नहीं। चलिए मैं ये दो रेजिस्टेंस को ओपन करके देखाऊंगा, क्योंकि ये दो सप्लाई यहाँ से दोस्तों यहाँ से बीच में डायोड है और ये वर्टिकल आईसी पर आ रहा है, एक प्लस वोल्ट और एक माइनस वोल्ट। चलिए ओपन करने के बाद आपको तो दोस्तों अभी मैं ये दो रेजिस्टेंस वर्टिकल सप्लाई लाइन का ये दो पिन को ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं जम्पर को जोड़ दिया। अभी एक बार सप्लाई देके देखूंगा कि इंडिकेटर का क्या सिम्टम आ रहा है और सीरीज बल्ब का क्या सिम्टम आ रहा है। मैं सप्लाई दे दिया और ये अप डाउन नहीं हो रहा है और सीरीज बल्ब भी अप डाउन नहीं हो रहा है। अभी ESD सप्लाई कितना है, 111.9 ये प्रॉपर है और 180 वोल्ट लाइन का अंदर वोल्टेज 113 वोल्ट है, मतलब ESD भी बन रहा है। और क्या ये वोल्टेज तो प्रॉपर बन गया, तो ये रेगुलेटर का जो वोल्टेज 11 वोल्ट के आसपास यहाँ पर मिलता है, बट यहाँ पर 8.9 वोल्ट है, इसका आउटपुट 8 और 9 वोल्ट होना चाहिए। तो ये दोस्तों 9 वोल्ट है, क्योंकि 9 वोल्ट आउटपुट होगा तो ये 9 वोल्ट का रेगुलेटर होगा चार पिन का, 8 वोल्ट आउटपुट होगा तो ये चार पिन का 8 वोल्ट रेगुलेटर होगा। तो इसका यहाँ पर आप कुछ भी 8 वोल्ट और 9 वोल्ट कुछ भी रेगुलेटर यूज़ कर सकते हो, ठीक है, 9 वोल्ट मिल रहा है। तो और क्या देखना पड़ेगा, ESD बन रहा है कि नहीं एक बार देखना पड़ेगा। चलिए मैं देखता हूँ, तो दोस्तों आप देख सकते हो ESD प्रॉपर तरीक़े से बन रहा है, ठीक है, तो इस तरह ट्राई मत कीजिए। चलिए मैं सप्लाई ऑफ कर देता हूँ, ऑफ करने के बाद आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअली इसका फॉल्ट क्या है, कि ये जो वर्टिकल आईसी का अंदर जो सप्लाई जा रहा है अधिकतर ये वर्टिकल आईसी, ये वाला वर्टिकल आईसी फॉल्ट हो सकता है, ठीक है। तो चलिए वर्टिकल आईसी ओपन करने के बाद देखता हूँ कि क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। तो उसका पहले आपको PCB उल्टा करके भी एक बार दिखाऊंगा, सप्लाई में ऑफ कर दिया, कि आपको पता है कि ये 10 माइक्रोफेराड जो 250 वोल्ट का कैपेसिटर यहाँ पर एक है, मैं ये चेंज कर दिया और ये वर्टिकल का जो रेजिस्टेंस है, तो ये वर्टिकल का दो रेजिस्टेंस को मैं ओपन कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और ESD सप्लाई लाइन का जो जम्पर है ये मैं ऊपर से ही फास्ट ओपन कर दिया, ठीक है। इसका अंदर वर्टिकल आईसी कौन सा है एक बार देखना पड़ेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर जो वर्टिकल आईसी है, ये वर्टिकल आईसी इसका अंदर है, ठीक है। तो चलिए वर्टिकल आईसी ओपन करके देखूँगा। तो दोस्तों वर्टिकल आईसी ओपन करने के बाद यहाँ पर एक अलग सा वर्टिकल आईसी लगाऊँगा, लगाने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से मैं आईसी को निकाला और आपको दिखाना चाहता हूँ ये आईसी फॉल्ट है, क्योंकि अच्छा करके देखने के बाद पता चलेगा कि ये व्हाइट टाइप हो गया नीचे। तो ये नंबर आपको दिखाना चाहता हूँ,
तो कैमरे का वजह ये प्रॉब्लम आ रहा है, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ ये आईसी का नंबर TDA4865AJ, ठीक है। तो मेरा पास ये न्यू आईसी है, तो ये आईसी मैं यहाँ पर लगाऊंगा, ठीक है, TDA4865AJ, ठीक है। और यहाँ पर ये सेम नंबर ही है, तो दोस्तों यहाँ पर 4863 आप लगा सकते हो, 4864 भी आप लगा सकते हो, क्योंकि दोस्तों ये नॉर्मल सा किट है और नॉर्मल टीवी के अंदर यूज़ होता है, ये अल्ट्रा स्लिम टीवी के अंदर यूज़ नहीं होता है। बट अल्ट्रा स्लिम टीवी के अंदर होगा तो आपको ज़रूर ये आपको लास्ट नंबर 4865 देख के लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसका वाटेज थोड़ा हाई होता है, ठीक है। तो चलिए मैं ये आईसी वहाँ पर लगाऊंगा, लगाने के बाद आपको दिखाता हूँ। और ये आईसी को मैं साइड कर देता हूँ, क्योंकि ये आईसी का नीचे थोड़ा काला हो गया, आप अच्छा करके देखेगा तो पता चल जाएगा। तो ठीक है, तो दोस्तों फाइनली मैं वर्टिकल आईसी लगाया, और वर्टिकल आईसी लगाया और वर्टिकल सप्लाई का ये दो रेजिस्टेंस को मैं जो जम्पर ओपन किया था कनेक्ट कर दिया। अब देख सकते हो वर्टिकल आईसी में लगाया, इसको क्लीन किया, थिनर लेके साफ किया, ठीक है। तो अभी एक बार सप्लाई देके देखना पड़ेगा ESC बन रहा है कि नहीं, इंडिकेटर अप डाउन हो रहा है कि नहीं, सीरीज बल्ब अप डाउन हो रहा है कि नहीं। चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। इसका पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ESC कैप को थोड़ा दूर रखना पड़ेगा, बेस बोर्ड को थोड़ा दूर रखना पड़ेगा। मीटर का नेगेटिव पोर्ट मैं यहाँ पर कनेक्ट किया, आप देख सकते हो, ठीक है, पूरा सेट किया। अभी सप्लाई दे देता हूँ, सप्लाई दे दिया, इंडिकेटर देखिए कुछ भी अप डाउन नहीं है, ठीक है, इंडिकेटर जल रहा है। ESC सप्लाई कितना है अभी, 105 वोल्ट, ESC सप्लाई है 180 वोल्ट लाइन के अंदर, कितना वोल्ट है, तो दोस्तों 180 वोल्ट के अंदर कुछ भी वोल्टेज नहीं है। तो वर्टिकल सप्लाई कितना वोल्ट है, तो वर्टिकल सप्लाई भी कुछ भी वोल्टेज नहीं बन रहा है, हो सकता है ये PCB स्टैंड बाई मोड पर चला गया। तो चलिए स्टैंड बाई ऑन करके देखना पड़ेगा, मैं बॉटम स्विच पुश किया, ये देखिए 180 वोल्ट लाइन का अंदर 112 वोल्ट ये बन रहा है, मतलब ESC ऑन हो गया। और वर्टिकल सप्लाई जो वोल्टेज होना चाहिए, यहाँ पर जो डायोड है तो यहाँ पर जो डायोड है ये देखिए +14 वोल्ट बन रहा है, और -वोल्ट यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, ये जो डायोड है यहाँ पर -14 वोल्ट भी बन रहा है, तो मतलब इसका वोल्टेज प्रॉपर बन रहा है। तो ये PCB का भी पिक्चर टिप पर लगा के देखना पड़ेगा कि पिक्चर प्रॉपर बन रहा है कि नहीं। चलिए मैं सप्लाई ऑफ कर दिया, ठीक है। तो पिक्चर ट्यूब का लगाने का पहले यहाँ पर एक कैपेसिटर है, यहाँ पर एक कैपेसिटर है, ये दो कैपेसिटर को चेंज करूँगा, ठीक है, और क्या। चलिए लगाने के बाद आपको दिखाता हूँ। अभी दोस्तों ये PCB को पिक्चर ट्यूब के साथ कनेक्ट किया, ठीक है, और चलिए मैं सप्लाई देके देखता हूँ। मैं सीरीज लाइन से सप्लाई दे देता हूँ, और पिक्चर आता है कि नहीं चलिए देखना पड़ेगा। मैं सप्लाई दे देता हूँ, तो दोस्तों सप्लाई देने के बाद कि ये जो ईस्ट है, ईस्ट का बॉडी से इसका चारों साइड फायरिंग हो रहा है, और ये कोड देखिए ढीला लग रहा है, तो मतलब ये ईस्ट का बॉडी लीकेज है। तो क्या करना पड़ेगा लास्ट में दोस्तों, ईस्ट को भी चेंज करना पड़ेगा। पर दोस्तों ये जो ईस्ट है, ईस्ट का कुछ भी साइड नंबर नहीं है, ठीक है, नंबर ईस्ट का आउट हो गया, बट इसका अंदर छोटा सा एक स्टिकर है, बट इसका अंदर नंबर नहीं है, ठीक है, कौन सा नंबर की ईस्ट लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों इसका चैसिस नंबर देख के ही आपको पता लग जाएगा कि इसका अंदर कौन सा ईस्ट यूज़ होगा, CP79, इसका चैसिस नंबर CP79A, ठीक है। तो दोस्तों इसका अंदर
6006N और 6006M आप ESC यूज़ कर सकते हो। चलिए मैं न्यू ESC एक बार लगा के देखूँगा कि क्या रिजल्ट आता है। फाइनली दोस्तों न्यू ESC मैं लगाया 6006N, ठीक है, ESC लगाया। लगाने के बाद चलिए मैं फायरिंग आता है कि नहीं, पिक्चर आता है कि नहीं, आपको सामने मैं दिखाऊंगा। तो चलिए मैं सीरीज लाइन से अभी भी सप्लाई दे देता हूँ। मैं सप्लाई दे दिया और ESC फायरिंग नहीं है, स्क्रीन का अंदर लाइट। चलिए ESC थोड़ा एडजस्ट करने के बाद देखिए लाइट भी आ गया। ऑडियो वीडियो में कनेक्शन देख के रखा हूँ कि इसका दोस्तों पिक्चर तो आ रहा है बट पिक्चर का अंदर कलर प्रॉब्लम है, इसका अंदर ब्लू कलर सही से नहीं देखा जाता है, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कि एक PCB रिपेयर करते करते बहुत बड़ा बड़ा टेक्नीशियन भी थक जाता है, क्योंकि इसका अंदर पावर प्रॉब्लम था जो मैं रिपेयर किया, वर्टिकल प्रॉब्लम था जो रिपेयर किया, ESC प्रॉब्लम था जो रिपेयर किया, इसका अंदर बहुत सारा कंडेंसर को चेंज किया। और भी मैं दिखाना चाहता हूँ कि पहले से इसका यहाँ पर एक जेनर डायोड ओपन है, ठीक है, यहाँ पर एक जेनर डायोड ओपन है और यहाँ पर एक जेनर डायोड ओपन है, मतलब ये पहले से इस तरह था। तो ये भी जेनर डायोड लगाना पड़ेगा क्योंकि LG सेट के अंदर ये जेनर डायोड प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है। कभी ESC स्पायरिंग स्पार्किंग के बजाय तो दोस्तों ये सब फॉल्ट हो सकता है, ऐसे भी फॉल्ट हो सकता है, कुछ भी फॉल्ट हो सकता है, जिस तरह इसका वर्टिकल ऐसे फॉल्ट हो गया था, ठीक है। तो ESC चेंज करना बहुत ही ज़रूरी है। तो और क्या बताऊँगा, सेटअप बॉक्स से हाई वोल्टेज आएगा तो कुछ भी सेटअप बॉक्स फॉल्ट हो जाएगा, तो उसी कंडीशन भी ये सब प्रोटेक्शन डायोड फॉल्ट हो जाता है। तो सेफ्टी के लिए और ये PCB लॉन्ग टाइम चलने के लिए तो दोस्तों ये डायोड को भी चेंज करना पड़ेगा। तो मैं सब कुछ चेंज करूँगा, उसके बाद फाइनल ये जो कलर प्रॉब्लम है इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूँगा। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन शेयर किया, आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ये चैनल पर अपना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके।